हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रही कुछ दिनों से, क्योंकि मेरा नेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है और मेरे बीच में मुसीबत एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं। तो एक तो मेरा पेपर हो गया है, अब अपना पूछेगा कैसा हुआ है मतलब सही हो गया, इतना बुरा भी नहीं हुआ। तो हाँ, मैं इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के बाद बिल्कुल रेगुलर हो जाऊँगी। और इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, इसने और इसके साथ एक और टीममेट है, एक दूसरे को रिवाइव दे जाएंगे। अब इसके टीममेट को भी मैं नॉक करूँगी, फिर वो भागने की कोशिश करेगा, फिर उसके साथ क्या होगा वो आप देखिएगा। इसको भी नॉक कर दिया, अब इसके पार्टनर इसको दोबारा रिवाइव दे देगा। मैंने कहा कहाँ तक बच के जाओगे, मरना तो पड़ेगा, मौत तो आपको मुकद्दर है। तो एक तो नॉक हो गया, दूसरा ऊपर छुप के बैठ गया। मैंने इतना इंतज़ार किया कि कब आएगा, नीचे कब आएगा। ऊपर छुप के बैठा हुआ था, टीवी भी ले रहा था, तो इस वजह से मैं ऊपर नहीं गई, क्योंकि उसने मेरा सर खोल देना था तो इसलिए मैं ऊपर नहीं गई। मैंने नीचे ही वेट किया कि आएगा जब ये, तो तब इसको मारूँगी। लेकिन आप यकीन करें, वो नहीं आया नीचे। उसने कसम उठाई हुई थी कि उल्लू ऊपर आएगी तो मैं इसको मारूँगा, लेकिन फिर मैं भी तो उल्लू हूँ ना, तो मैं ऊपर नहीं गई, क्योंकि जाहिर है मैंने मर जाना था। यहाँ से एक और बंदा आएगा, उसको मैं फिनिश कर दूँगी, पूरा फिनिश कर दूँगी कि मेरा किल चोरी ना हो जाए। तो यहाँ पे दो और बंदे आएंगे, बोट आएंगे, तो उनको मैं फिनिश करने लगूँगी। पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ से गोलियाँ पड़ेंगी कि फिर मैंने दौड़ लगा दी। मैंने कहा नहीं, मैं फिनिश ना हो जाऊँ यार, भागो यहाँ से। तो फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कि हील वील करती हूँ, क्योंकि अगर हील ना हो तो एक आधी गोली में बंदा मर जाता है। तो मैं इस घर में गई और मैंने थोड़ा हील किया और फिर मैं दोबारा वापस आई। वो कहते नहीं, आ गया तू जवान हो के यार, नहीं सॉरी, कट इट, ये मैं काट दूँगी। तो ये अभी तक भाई नहीं आया था, मैंने कहा नहीं, थोड़ा इंतज़ार करती हूँ यहाँ पे, कभी तो आएगा। मैं आगे नहीं गई। फिर ये फाइनली, इसको लगा कि उल्लू चली गई है, तो ये निकला हुआ था बाहर। फिर मैंने इसको बोला, पीछे देखो, पीछे उल्लू है, नहीं पीछे कुकड़ी है, कुकड़ी। तो इसने पीछे देखा ही नहीं बेचारे ने, उसको पता नहीं चला कहाँ से इसको पड़ी और कहाँ पे वो चला गया। बहुत इंतज़ार करवाया इसने, बहुत ज़्यादा, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि मैं ढीठ हूँ, इंतज़ार कर लेती हूँ। इस बंदे ने भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, ये बच के भाग गया। पता क्यों बच के भागा? क्योंकि मेरा स्प्रे नूबड़ों वाला था, तो मैं आमना नूबड़ी हूँ, उल्लू नूबड़ी हूँ, तो थोड़ा स्प्रे इधर उधर हो जाता है। तो ये सामने वाले घर में भी बंदा था, तो मैंने सोचा इसको तो नेड से उड़ाती हूँ। तो फिर मैंने नेड कुक किया और उसकी तरफ, उसकी जानिब फेंका, और फिर मैंने इसको बोला छुट्टी करो। तो इसको तो मैंने फिनिश कर दिया। तो अब ये दूसरे वाला था, ये मुझे थोड़ा तंग करेगा, पिंक कपड़ों वाला, जिसको मैंने अभी इतना अच्छा हैवी वाला नूबड़ों वाला स्प्रे दिया था। फिर पीछे एक बोट आ रहा था, मैंने सोचा ये पिंक कपड़ों वाला को छोड़ती हूँ, इस बोट को तो पहले फिनिश करूँ, क्योंकि बोट का और लूट का नो मजाक। तो यहाँ पर मैंने एक बंदे के साथ प्रैंक किया, क्योंकि यहाँ मैंने उसकी पढ़ा मौली गिराई कि उसको लगी कि मेरी लोकेशन यहाँ पे है, तो वो बेचारा उसको लगा कि यहाँ पे उल्लू नूबड़ी, तो उसने सारा एम मेरे ऊपर वहाँ पे उस साइड पे रखा हुआ था। फिर मैं पीछे से गई और आप देखिएगा बेचारा क्या कर रहा था, मजाक हो गया इसके साथ, प्रैंक हो गया इसके साथ। इसको बोलना पड़ेगा कैमरे में हाथ हिला दें, पीछे तो देखो बेचारा, उसको लग रहा था मैं वहाँ पे हूँ, उधर देख रहा था। तो गाइस, पिछले मैच में मैं फिनिश हो गई, नॉक फिनिश डायरेक्ट, तो किसी ने मुझ पे रहम नहीं किया, जैसे मैं भी किसी पे रहम नहीं करती। बस कोई मर जाए तो उसको नॉक फिनिश करके मैं दम लेती हूँ। तो उन्होंने भी मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे मार दिया। तो ये भी मैंने एक गेम प्ले बनाया है, ये भी इसमें भी अच्छे खासे किल्स हो गए थे। तो भी अगर आपने देखना है कि इसके अंदर चिकन डिनर हुआ है, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। मैं ना गेम खेल रही थी, तो उसके अंदर ना मैंने बड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्लच मारा, कि बस वो उस क्लच में बस ये था कि वो क्लच हो ही नहीं सकता था। मेरी 0 HP थी और मैंने 0 HP में 4 बंदों को मार दिया। और फिर मैंने देखा बाद में रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी, मेरे साथ प्रैंक हो गया। मैंने कहा यार इतना अच्छा क्लच, कभी कभार तो
क्लच लगता है तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इस बंदे को मैंने नूबड़ा समझा, लेकिन उसका हेड कनेक्ट हो गया था, और अगर एक और हेड कनेक्ट हो जाता तो मैंने तो लोबी पहुंच जाना था। मैंने बड़ी कोशिश करके इसको मारा और फिनिश कर दिया। और यहाँ पे एक बोट आएगा, उसको भी मैं मार दूँगी। हाँ, बोट मारना तो बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। नहीं मरते भाई बोट, बोट आजकल शॉटगन लेके आए होते हैं। आपको पता है, एक बोट ने मुझे हेडशॉट मारा और मैं मर गई शॉटगन से, बोट ने। बस देखिए, मैं खामोश होगी इस बात पे कि एक बोट मुझे मार गया, वो भी शॉट गन से, वो भी मेरे हेड पे शॉट रख के। कितनी अफसोस की बात है, उल्लू को मार गया, उल्लू को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उल्लू भी कभी कभी मर जाते हैं, कोई बात नहीं। ये बेचारा कहाँ पे, कहाँ जा कहाँ रहे थे आप? आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ दूँगी, मैं अपना किल वेस्ट होने दूँगी? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे एक बंदा जा रहा था, उसके साथ देखिएगा क्या होता। बेचारा पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे। फिर मैंने इसको फिनिश किया, फिर मैं यहाँ से चलेगी, और आगे एक और बंदा आएगा, उसको भी मैं गाड़ी के नीचे मदोल दूँगी। मदोल दूँगी होता है ना, चलें जो भी होता है, गाड़ी के नीचे दे दूँगी उसको मैं। पत्थर के साथ लेटा होगा, और उसको क्या पता था कि उसकी मौत भी करीब है। अच्छा, फायर उसने फुल किया था मेरे ऊपर। छुट्टी करो, छुट्टी। तो गाइस, इस गेम में भी मैं बहुत बेरहमी से दर्दनाक मौत के साथ मारी जाऊंगी। नहीं होना चाहिए था, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और गाइस, इसी के साथ बस मेरी मौत का वक्त करीब है। सारे मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे जन्नत में आला मुकाम अता करें अल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह कल मैं वापस आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अपना और सबका बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।